सर 4/3। हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। और ऐसे ही बताओ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? 2/3 हाँ, पाई आर 2/3 पाई आर क्यूब है ना। अच्छा, हमेशा याद रखो जो लेंथ है वो तो किसमें मेजर होती है? सेंटीमीटर या मीटर में, ठीक है। और एरिया किसमें मेजर होता है? एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। और वॉल्यूम किसमें मेजर होती है? वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, इनमें से कोई भी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट अपने आप करेंगे आप। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7, तो रेडियस 7 है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, और आर की जगह आप पाई की जगह भी 22.7 लिख देते हैं, और आर की जगह तो 7 × 7 × 7, एक 7 कट जाएगा। और अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आप कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू में कहते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो मान लो एक पूरा बर्तन भरा पड़ा है, मानो सिलेंड्रिकल बर्तन है और पूरा पानी से भरा हुआ है, पर हुआ तो अब इसके अंदर हमने सॉलिड स्फेयर डाल दिया, सॉलिड स्फेयर डाल दिया किसका, तो अब उसका डायमीटर कितना है? डायमीटर है 28। तो ये कितना पानी बाहर आएगा इसमें से? तो जितना इस स्फेयर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आएगा। तो रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना होगा भाई? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो वो कितना है? 4/3, और पाई की जगह 22/7, और आर की जगह लिख देंगे हम 14 × 14 × 14, और यूनिट आ जाएगा फिर से सेंटीमीटर क्यूब। अब आप कैलकुलेट कर लोगे इसको, ठीक है। तो यहां तक मैं छोड़ रहा हूँ, आगे आप कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। तो एक मेटेलिक बॉल है, उसका डायमीटर 4.2 है, ठीक है। अब आगे बोला है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ इट्स डेंसिटी इज, डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको डेंसिटी दे रखी है और आप वॉल्यूम निकाल लोगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इससे निकल जाएगा। तो चलो मास निकालते हैं, तो डेंसिटी क्या लिखेंगे? डेंसिटी है 8.9 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम भी हमें ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, तो क्या हो जाएगा? देखो इसका यूनिट में लिख रहा हूँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो मैंने डेंसिटी लिखा। तो अब इसमें वॉल्यूम कैसे निकालें? वॉल्यूम तो 4/3 और पाई की जगह 22/7, और आर की जगह क्या लिखेंगे? आर की जगह 2.1 × 2.1 × 2.1। तो अब इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, और फिर आंसर किस में आएगा? ग्राम्स में आएगा, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे कि मास हो जाएगा 8.9, और ये अगर डेसिमल हटाते हो यहाँ से, डेसिमल हटा दो तो ये 3 जीरो बता देंगे यहाँ पर 8.9, और अगर ये वाला भी डेसिमल हटाना चाहो तो हटा सकते हो। तो × 4 × 22 × 21, तो ये 7 × 3 = 21 कर दो, तो फिर क्या आ जाएगा? 21 × 21 × 3। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे और जो आंसर आएगा वो ग्राम्स में आएगा, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो एक बार अपन बना लेते हैं मून,
और एक बार बना लेते हैं अर्थ, ठीक है। इसका डायमीटर, हाँ इसका डायमीटर है, ये मानो डायमीटर ऑफ मून है, और ये क्या है, ये डायमीटर ऑफ अर्थ है। तो डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया रेडियस ऑफ मून इज 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ मून इज के टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये के निकालना है। तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ मून क्या है, 4/3 pi रेडियस ऑफ मून होल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है, 4/3 pi रेडियस ऑफ अर्थ होल क्यूब। हमें शुरुआत करनी है वॉल्यूम ऑफ मून से, तो वॉल्यूम ऑफ मून होता है 4/3 pi रेडियस ऑफ मून होल क्यूब, पर RM जो है ना रेडियस ऑफ मून उसकी जगह हम लिख देंगे 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमने लिख दिया 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ और उसका होल क्यूब, तो 1/4 का क्यूब और रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। तो ये जो 1/4 होल क्यूब है वो बाहर रख दिया, तो जो बचा वो क्या है ब्रैकेट में, 4/3 pi रेडियस ऑफ अर्थ होल क्यूब। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, तो हमने इसकी जगह लिखा वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ एम या मून इज 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। 10.5 सेंटीमीटर का बाउल है, उसमें डायमीटर 10.5 है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल है। तो ऐसा हेमिस्फेरिकल बाउल है और इसका डायमीटर कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है कितने लीटर मिल्क होगा, तो आपको लीटर्स में और सेंटीमीटर में रिलेशन पता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे हम, तो वॉल्यूम ऑफ, पहले आप इसका बाउल बताओ क्या है सेंटीमीटर क्यूब में, फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर का, 2/3 pi r³। हाँ जी, तो ये समझ रहे हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला है 2/3 pi r³। 2/3 pi की जगह 22/7 और r की जगह लिख रहे हैं हम 10.5 upon 2 into 10.5 upon 2 into 10.5 upon 2। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे और ये आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको कन्वर्ट कैसे करें, लीटर में कैसे कन्वर्ट करें, तो आप बताओगे कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, वो होता है 1/1000। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक बार मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। हाँ जी बच्चों, अब स्क्रीन दिख रही है क्या, नो सर। अब दिख रही है स्क्रीन बेटा, यस सर। हाँ, तो हमने देखो वॉल्यूम निकाल लिया सेंटीमीटर क्यूब में और हमको अब लीटर में चेंज करना है। आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना लीटर होता है, भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर होता है। तो आप इसको क्या करोगे, 2/3 into 22/7 10.5 upon 2, एक 2 आप चाहो तो काट सकते हो, और 10.5 upon 2 10.5 upon 2। अब ये था सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप मानो 1 into 1 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे मान लो। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने देखा है ऊपर कि 1 सेंटीमीटर क्यूब तो सर 1/1000 लीटर हो, तो आप क्या करोगे, इसको हटाओ और इसकी जगह लिख दोगे 1/1000 लीटर। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3
or 22 by 7 into 10.5 into 10.5 upon 2 into 10.5 upon 2 or divided. तो आवाज आप आज नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है. तो फिर से आप स्क्रीन दिख रही होगी सबको और अब आगे बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं. अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन स्टील आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक. तो 1 सेंटीमीटर थिक का शीट है आयरन की, उससे हम हेमिस्फेरिकल टैंक बना रहे हैं. कहते हैं इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड इन द टैंक. तो अब मैं इसका हेमिस्फेरिकल टैंक बना रहा हूं. ये हेमिस्फेरिकल टैंक है पर इसका जो ये विड्थ है वो कितना है, वो 1 सेंटीमीटर है. और अंदर का रेडियस कितना है, अंदर का जो रेडियस है वो है इसका कितना बताया, देखो 1 मीटर बताया गया. रेडियस इज 1 मीटर. और अब आपसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड. तो अंदर तो खोखला है तो आयरन का ये जो शीट यूज हुआ है वो उसका वॉल्यूम बताओ. तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट यूज्ड है ना, आयरन यूज्ड कर दो डायरेक्ट. तो वो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. तो आउटर हेमिस्फेयर में से इनर हेमिस्फेयर माइनस कर देंगे. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर. क्योंकि इनर हेमिस्फेयर में क्या है, उसमें तो हवा है, खाली है. तो अपन लिख देंगे, फॉर्मूला लिखेंगे 2/3, क्योंकि हेमिस्फेयर है तो 2/3 आएगा. और अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, अंदर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 πr³. तो बताओ बाहर का रेडियस कितना हो जाएगा. अगर मैं यहां से यहां तक देख रहा हूं तो ये तो 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर हो गया. 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 0.01 मीटर होता है. तो कैपिटल आर कितना हो गया, 1.01 मीटर. तो अपन इसको कॉमन निकालेंगे, 2/3 π कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब. ठीक है, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे 2/3 π. इसके फैक्टर्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, 22/7 और इसके फैक्टर बनाओ आर माइनस आर और ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. चैप्टर 2 में पढ़ा था आर स्क्वेयर प्लस आर आर प्लस आर स्क्वेयर. और इसको सिंपल कर लेंगे अपन. तो बताओ 2/3 22/7 और 1.01 माइनस 1. ठीक है, और ये आ जाएगा 1.01 का होल स्क्वायर फिर प्लस 1. तो इस तरह से अपन ने जो है इसका आंसर निकाल लेंगे. ये आंसर किस में आएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा. तो दिस आंसर इज इन मीटर क्यूब. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6. तो कितना मीटर क्यूब वॉल्यूम का ये यूज होगा तो हमने देख लिया. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं अपन. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये बताया है कि क्वेश्चन नंबर 7 में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 πr² और वो कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमें रेडियस पता ही नहीं है और हम क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम निकालो. तो इस फॉर्मूले से हम पहले रेडियस निकालेंगे. तो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 4 π. तो r² क्या हो गया,
154 डिवाइडेड बाय 4 इनटू पाई, पाई हो गया 22/7. तो चलो कैलकुलेट करते हैं, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, फिर 2 7 जा 14. तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और अपॉन 2 का स्क्वायर, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे. तो रेडियस कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया 7/2 हो स्क्वायर, तो आर हो जाएगा 7/2 और सेंटीमीटर में आ जाएगा. तो हमें तो वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम क्या आएगा, एक गलती हुई है कि हमसे क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम स्फीयर था, हाँ स्फीयर था. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें वैल्यू डाल दोगे 4/3 22/7 और आर की जगह 7/2 × 7/2 × 7/2. तो ये 7 काट देना और ये दोनों 2 कट के 4 से कट जाएंगे, ये 2 कट के 11 हो जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 11 × 7 × 7 / 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, 8th क्वेश्चन पढ़ेंगे. A dome of a building is of the form, is in the form of a hemisphere. तो बिल्डिंग का जो डोम है वो हेमीस्फेयर के फॉर्म में है. और फ्रॉम इनसाइड इट इज हैज इट वाज वाइट वॉश्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीस 4989.60. इतने रुपए लगे डोम को वाइट वॉश करने में. इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज रुपीस 20 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम. चलो पता करते हैं इसका. तो इसमें कैसे करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर इनटू सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया पेंट कर रहे हैं वो पता लगेगा. तो डोम कैसा दिखता है भाई, डोम तो स्फीयर होता है ना, बिल्डिंग का डोम तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, और इसको अंदर से पेंट करना है. तो हम लिख रहे हैं टोटल कॉस्ट कितनी है, तो ऊपर से हम नोट करके नीचे लिखेंगे यहाँ पर. तो क्वेश्चन नंबर 8 पे टोटल कॉस्ट हमारी है 4989, तो हमने लिख दिया 4989, ठीक है, 0.60 और इन इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डोम का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है. अब आप इसको डिवाइड करो और आर की वैल्यू निकालो, तो बताओ आर स्क्वायर क्या आएगा, 4989.60 और डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 और इंटू पाई, पाई क्या है 22/7 लिख दोगे. तो इस तरह से अपन ये निकाल सकते हैं. आई होप ये समझ में आ रहा है सबको बच्चा. तो R की वैल्यू कैसे निकालें, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बाकी है, तो R कैसे अंडर रूट करके निकाल लोगे. और इसके बाद हमें निकालना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम निकाल लिया. इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या होगा भाई, इनसाइड सरफेस एरिया, तो आपको रेडियस बाद में निकालना है, पहले सरफेस एरिया निकालना है. तो आप क्या करोगे, मैं इसको यहां से 2 पाई आर स्क्वायर मिटा रहा हूं और इसको सरफेस एरिया को मैं एस लिख देता हूं, S. तो S निकाल लोगे कैसे, 4989.60 डिवाइडेड बाय 20, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा. तो ये डेसिमल हटाओ, तो इधर नीचे 100 और 2 से कैंसिल करो, तो ये आ जाएगा, बताओ 2 2 4, ठीक है ना, और 2 4 8, 2 9 18 और 2 2 4 और 2 8 16, 80. तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया. अब 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई सरफेस एरिया, ये हो जाएगा
तो आपने सरफेस एरिया निकालना है 249.28 मीटर आ गया, और रेडियस आप अंडर रूट करके निकाल लोगे, ठीक है। तो अभी हमने ये कैलकुलेशन किया था, तो उससे क्या मिला हमें, ये जो हमने कैलकुलेशन किया ना अभी, वो हमें क्या मिला इसको? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू आई थी 249.28 आज बेटा नेटवर्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए शायद दिक्कत आ रही है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना कि कितना आ रहा है, ठीक है। साथ में करें कैलकुलेट इसको, बताओ 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 2 2 4 2 4 8 और 2 6 12 और 2 4 8 ये आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो आर स्क्वायर एक बार 2 से फिर से डिवाइड करेंगे ये तो 11 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 6 12 2 2 4 और 2 3 6 और 2 4 8 2 2 4, ठीक है। और तो देखो मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि ये टोटल कितना आ रहा है, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 20 से, ठीक है, और उसके बाद फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 44 से, तो कुल मिला के ये जो आंसर आ रहा है आर स्क्वायर की वैल्यू वो आ रही है 39.69, और इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि रेडियस कितना है, ठीक है। तो रेडियस इस तरह से 6.3 मीटर्स आ जाएगा, तो वॉल्यूम आप बड़े आराम से आप निकाल पाओगे, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ भाई, वॉल्यूम हो जाएगा डोम है ना, डोम है तो 2/3 πr³ यानी 2/3 और 22/7 into 6.3 इतना मीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 27 solids iron spheres each of radius small r and surface area s are melted to form a sphere with radius with surface area s dash, find the radius r dash of the new sphere। तो नया sphere का बताओ, क्या था 27 जो है छोटे छोटे हमने ये छोटे छोटे हमने melt कर दिए छोटे छोटे sphere, और ये 27 है, ठीक है, और बड़ा सा sphere बना दिया उसका, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं